Shahbaz here, your online teacher. Welcome to you, Shahbaz Fast English YouTube channel. And I should like to request you all to subscribe my YouTube channel, Shahbaz Fast English. And these days I have been uploading for you the grammar topics and all things, important things for you. And now, today's topic is a phrase is also an important part of a sentence, so I thought it befitting to discuss phrase. Phrase jo hai ek group of words hai, a group of words without a finite verb. ऐसा combination of words जिसमें finite verb नहीं हो उसे हम phrase बोलते हैं, और phrase का आधा अधूरा मतलब निकलता है. जब भी हम phrase बोलते हैं तो phrase का मतलब कभी idiom नहीं होता है. phrase ऐसे words को बोलते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा words रहे और उसमें finite verb नहीं हो या सब्जेक्ट नहीं, उसे फ्रेज कहते हैं. लाइक इन द रूम एट होम बाय चांस माय बुक और मी बुक. लाइकवाइज वेरी हैप्पीली इन एटसेट्रा. इन ऑल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट ट्रेस एनी फाइनाइट वर्ब. यहाँ पर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है. तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब्स नहीं हैं, इसलिए हम इसे फ्रेज कहेंगे. और फ्रेज को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं इंटू नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज का मतलब हो गया कि कोई एक हेड वर्ड नाउन होगा जैसे बुक, और उसके पहले कोई एक डिटर्मिनर होगा या एडजेक्टिव होगा तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे. हेड वर्ड बुक है, हेड वर्ड. स्विच ऑफ द फैन, सॉरी. हेड वर्ड यहाँ पर बुक है और माय डिटर्मिनर है. जब कोई डिटर्मिनर हो या कोई एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन आए और उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं हो तो हम कहेंगे कि वो नाउन फ्रेज है. जैसे हम बोलेंगे हीज लव. लव यहाँ पर हेडवर्ड है, नाउन है, और ये हीज डिटर्मिनर है, ये नाउन फ्रेज हो गया. और इससे पूरा पता नहीं चलता कि हम क्या कहना चाहते हैं, जस्ट हमें एक आइडिया मिलता है. मी बुक मेरी किताब, हिज लव उसका प्रेम. इससे आधा अधूरा मतलब निकलता है, सेंस पूरा कैरी नहीं करता है. डिस्पाइट दैट इट हैज़ ऑल द इम्पॉर्टेंस इन अ टुगेदरनेस ऑफ ए सेंटेंस. लाइकवाइज हमारा एक दूसरा फ्रेज है वर्ब फ्रेज. जब एक ही शब्द, वर्ब अगर एक ही हो तो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे. नाउन जब एक ही हो, एक शब्द का हो, उसे हम नाउन कहेंगे. बट जब नाउन का एक कॉम्बिनेशन हो दो वर्ड्स का, तीन वर्ड्स का, तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे. और वर्ब फ्रेज में क्या होगा कि हमेशा एक वर्ब होगा. लाइक टेक हेड वर्ड, जैसे एक सेंटेंस हम लेंगे ही टुक माई पेन. ही टुक माई पेन, यहाँ पर टुक हेडवर्ड है और वर्ब है, और माई पेन नाउन फ्रेज है. तो ये वर्ब और नाउन फ्रेज मिल करके जो फ्रेज बना उसे हम कहेंगे वर्ब फ्रेज. वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव फ्रेज आए तो उसे भी हम कहेंगे वर्ब फ्रेज. वर्ब के बाद कोई हो सकता है कि एडवर्ब फ्रेज आ जाए, उसे हम भी कहेंगे वर्ब फ्रेज. लाइक तीसरा हम एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बात करेंगे. एडजेक्टिव फ्रेज
इसे हम पढ़ेंगे एजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एजेक्टिव फ्रेज। एजेक्टिव फ्रेज हम कहेंगे, एक एग्जांपल लीजिए, ही इज वेरी हैप्पी। ये वर्ब है, वेरी एडवर्ब है और हैप्पी एडजेक्टिव है। तो यहाँ वर्ब से एडजेक्टिव के बीच में ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, और इज से लेकर के यहाँ तक हम बोलेंगे इसको वर्ब फ्रेज। अब ध्यान दें, यहाँ पर है हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पी के पहले एडवर्ब लगा है जो हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी और एडजेक्टिव जो हैप्पी है मिलकर हो गए एडजेक्टिव फ्रेज। और यहाँ वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव फ्रेज आया है, तो ये इज और वेरी हैप्पी मिला के हो गया वर्ब फ्रेज। ठीक है, बट हम देखेंगे कि जब भी फ्रेज बोलेंगे तो उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। जैसे कि वेरी हैप्पी में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, माई पेन में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, मी बुक में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, उसी तरह से एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज हो गया ही सिंग्स वेरी हैप्पीली। ये वर्ड वेरी है, एडवर्ब है, और ये भी हैप्पीली भी एडवर्ब है, तो ये वेरी हैप्पीली को क्वालिफाई करता है, तो वेरी हैप्पीली हो गया एडवर्ब फ्रेज। और फिर सिंग्स वेरी हैप्पीली हो जाएगा वर्ब फ्रेज। सो व्हाट आई वांटेड टू से, और एक और है आप, एक फ्रेज बच गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? वो फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल। इसे हम लोग प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, प्रेपोजिशन बोलेंगे। फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है कि ये प्रेपोजिशन से शुरू होता है, प्रेपोजिशन प्लस अदर वर्ड्स, नाउन एटसेट्रा, लाइक इन द रूम। आप देखेंगे कि यहाँ पर इन प्रेपोजिशन है, द रूम नाउन है, इन द रूम हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑन कैंपस, यहाँ पर कैंपस नाउन है और ये ऑन प्रेपोजिशन है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रेज हुआ ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेज का इन अ नटशेल, फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजेंट हैव एनी फाइनाइट वर्ब, जिस शब्दों के समूह में फाइनाइट वर्ब नहीं हो उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और फाइनाइट वर्ब का जानना जरूरी है, फाइनाइट वर्ब है क्या? मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा गाइडेड होते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा गाइडेड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा गाइडेड, गाइडेड या गवर्न्ड, या गवर्न्ड। हमें फाइनाइट वर्ब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम फाइनाइट वर्ब का ज्ञान हमें नहीं है तो हम ग्रामर में शब्दों के बारे में, सेंटेंस के बारे में कुछ हम आगे उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनाइट वर्ब इज द सेंट्रल वर्ड इन ए सेंटेंस। जैसे आप आई एम अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस है, इसमें एम फाइनाइट वर्ब है। अगर यहाँ एम नहीं होता, क्योंकि एम आई को आई से गवर्न हो रहा है, फाइनाइट वर्ब है। और जितने भी ऑग्जिलरी वर्ब हैं, ऑग्जिलरी वर्ब्स, वर्ब्स हैं, ये एनोमेलस फाइनाइट है, एनोमेलस फाइनाइट हैं, क्योंकि इसे स्पेशल फाइनाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे फाइनाइट्स के बाद हम
नोट लगा पाते हैं प्लस नॉट। ऐसे ही ऑग्जरी वर्ब्स को हम लोग एनोमलस फाइनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे, जस्ट वेट प्लीज, आई एम नॉट गोइंग। हम ऐसा लिखते हैं जब किसी वर्ड के ऊपर में एपोस्ट्रॉफी दे देते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ कुछ लेटर छूटा हुआ है। गोइंग को मैं ऐसे बोलते हैं, तो एम के साथ नोट लगा हुआ है, इसका मतलब एम के है एनोमेलस फाइनाइट। दे मस्ट नॉट मेक अ नॉइज। यहाँ मस्ट के साथ नोट लगाते हैं इसलिए मस्ट बी एनोमेलस फाइनाइट। और हम लोग बोलचाल की भाषा में मस्ट को मस बोलते हैं, टी को नहीं बोलते हैं, मस्ट नॉट। मेक और ए को एक जगह करते हैं बोलने में, मेक अ नॉइज नहीं बोलते हैं, दे मस्ट नॉट मेक अ नॉइज नहीं बोलते हैं, इसको रिड्यूस करके हम लोग बोलते हैं दे मस्टन्ट मेक अ नॉइज, इस हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी मस्ट क्या है, एनोमेलस फाइनाइट है, स्पेशल फाइनाइट है, मतलब इन्हीं के साथ हम नोट लगा सकते हैं। तो जितने भी ऑग्जिलरी वर्ब्स हैं प्लस मॉडल्स हैं वो सभी एनोमेलस फाइनाइट हैं क्योंकि उनके साथ हम नोट लगा सकते हैं। बाकी V1 या V2 या V5 में हम नोट नहीं लगा पाते हैं इसलिए उसे हम लोग एनोमेलस फाइनाइट नहीं कहते हैं। जैसे राम नोट गोज हम नहीं बोल सकते, या गोज नोट नहीं बोल सकते, राम गोज नोट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज गोज इज नॉट एन एनोमेलस फाइनाइट। इसके बदले में हम क्या बोलेंगे, राम डजंट गो, डजंट गो, या डज एनोमेलस फाइनाइट है क्योंकि इसके साथ नोट लगा, इसे डजंट बोलेंगे। और हम लोग फास्ट इंग्लिश में इसे डजन बोलते हैं, इसको डजन, फास्ट जब बोलते हैं तो उसको डजन बोलते हैं, डजन गो, राम डजन गो। एक्चुअली क्या है, डजंट है या डज नॉट है, डज नॉट का शॉर्ट है डजंट और डजंट का शॉर्ट है डजन, राम डजन गो। सो एनोमेलस फाइनाइट ये हैं तमाम ऑग्जिलरी वर्ब्स, एनोमेलस फाइनाइट्स हैं। और कोई कहेगा कि एनोमेलस फाइनाइट क्यों है, बिकॉज उनके साथ हम नॉट लगा सकते हैं, नॉट कैन बी एडिट, कैन बी एडिट टू एनोमेलस फाइनाइट, एनोमेलस फाइनाइट। दूसरे फाइनाइट्स कौन, अदर फाइनाइट्स कौन है, V1 है, V2 है, V5 हैं, ये हमारे फाइनाइट वर्ब्स के उदाहरण हैं। और जितने भी ऑग्जिलरी हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, फाइनाइट वर्ब की तरफ काम करते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट के द्वारा गाइडेड है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए हम लोग फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट का अर्थ होता है लिमिटेड, सीमित, बंधा हुआ, बाउंड्री के अंदर सीमित है वो। अब आपको बतलाते हैं कि नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अंतर क्या है। जैसे आई एम टू गो, और यहाँ पर है आई एम टू गो में एम है फाइनाइट वर्ब, टू गो है नॉन फाइनाइट वर्ब। सी इज टू गो, सी इज टू गो, यह टू गो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इज फाइनाइट वर्ब है। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ एम लगा, बट टू गो लिखा हुआ आई के साथ। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब लगा इज, चूंकि सी के अनुसार यहाँ वर्ब लगा है इसलिए फाइनाइट है, बट टू गो सी के साथ भी है और आई के साथ भी है। तो टू गो जो है सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए इसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, आपको पता है, इन्फिनिटिव, जैसे टिप्लाई
जीरंड अ प्लेइंग पार्टिसिपल पार्टिसिपल प्लेइंग एंड प्लेट इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे एट लेंथ. सो फ्रेज के बारे में मैं समझता हूँ, आई थिंक फ्रेज इज क्लियर दैट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो फाइनाइट वर्ड नो सब्जेक्ट. इट गिव्स अ हाफ मीनिंग, इट डजंट गिव फुल मीनिंग एंड बट इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड फ्रेज इज ऑफ फाइव टाइप्स, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज. Now, I want to share close, C-L-A-U-S-E, close. दोस्तों, close के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है.